मेरी होम की बात करना कि कैसी है और मेरी होम इस तरह के पढ़ाए सर काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी होम जिन बच्चों को जिन छोटे छोटे भाइयों को उनकी तालीम की उनकी जिम्मेदारी की उनके आने वाले फ्यूचर की जिसमें अलग होता है कि नहते अप्रिशिएट करने वाला काम और इसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। मुख्तसर से लफ्ज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं होगा जहाँ पे हमारे दादी हजरात भी मौजूद हैं रिजवाना के साथ भी हैं तो मैं भी प्रधाना खुशी साहिबा आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने इस फर्ज को इस नेकी के काम को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है लेकिन छोटी छोटी बच्चियाँ इंशाल्लाह ताला आपकी ही सर्विस में बड़ी होंगी। इनकी शादियाँ होंगी ये स्कूल जाएंगी और जो हमारे यहाँ कल्चर है वो बड़ा मुख्तलिफ कल्चर खवातीन की बात आती है तो इसमें गौर और फिक्र की थोड़ी सी ज़रूरत है और अल्लाह आपको और वाइफ खसूस आपको लंबी उम्र दे सहज जाने का पड़ा और आपको बस आए बच्चों पर हमेशा लेकिन क्योंकि बच्चियों का मामला है लड़कियों का मामला है तो मेरी ये आपको एक सजेशन है कि एक बोर्ड आप ज़रूर बनाए तो देखें वक्त का किसी को नहीं पता ज़िंदगी कितनी है ये भी नहीं पता। आज ये बच्चियाँ बड़े अच्छे माहौल में पढ़ रही हैं कल इनका क्या हो इसके लिए गौरव फिक्र करने के लिए हमारे सरकार के बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं जो नेकी के काम करते हैं और बड़े खामोशी से भी करते हैं। उनमें से एक काम मोहम्मद महान साहब है जो हमेशा जब भी कोई काम होता है तो वो मुझे कहते हैं यार दोस्तान ये काम करो लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। तो इस तरह के सात या आठ लोगों पर एक ट्रस्ट के वो आप ज़रूर बनाएँ ताकि इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। बाकी मैंने बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब से गोल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स अलॉट कराया था लेकिन जैसे ही पता चला वो अलॉट हुआ है तो अभी वो कागज़ निकले थे तो वो एन जी ओ पे उसको अलॉट करा दिया है। तो इसकी बिल्डिंग की जिम्मेदारी मैंने जान बदल साहब जहाँ बैठे हैं उनसे पाँच छः दफ़ा दरख्वास्त की है कि आप बड़े तरीके के काम करते हैं जिसमें आप बिल्डिंग प्रोवाइड करें और साथ साथ परसों कासिम शाह साहब जो स्पेशल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो भी इसी मकसद के लिए खास सफर आ रहे हैं तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के पास आई टी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा दौर है जिसमें एक और बड़ा एक है खाली पड़ा तो इन शाह तो परसों निकालने की कोशिश करेंगे कि हम उसे अप्रूवल दें और ये एम ओ यू इसके अंदर हो जाए कि इनकी जगह का मसला हल हो। बाकी एक चीज़ ज़रूरी है कि इसके अंदर दो चीज़ें क्योंकि ये तो है फेरी होम्स का सिलसिला है इसमें कैपिटल वर्क जिसको आप कह सकते हैं तो ये बिल्डिंग रिहाइश दूसरा ऑपरेशन ये जो उसके खिलाफ हैं रेगुलर वो चलते रहे तो मैं मेयर सक्कर बद्दिया की तरफ से 5 लाख रुपये का इंतजाम करता हूँ। जो कि इंशाल्लाह खुद के लिए यानी 3 दिन बाद मेरी हम उसके काम में आ जाएंगे और जो मेरी सैलरी है एज मेयर मैं वो भी इंतजाम करता हूँ वो भी इंशाल्लाह मंडे को आपको। और जो इसकी बिल्डिंग पे अखराज आएंगे वो इंशाल्लाह ताला ये भी मेरा आपसे वादा है कि इन महीनों के लिए इसके अंदर डोर टू डोर जाना पड़ा गवर्नमेंट से फंड लेने पड़े 1 करोड़ की बनती है 2 करोड़ की बनती है 5 करोड़ की बनती है 10 करोड़ की बनती है वो इंशाल्लाह ताला जैसे लैंड का मामला ख़त्म होगा हम मिल के सब मिल के उसका सने सके बुनियाद रखेंगे और बहुत जल्द एक इमारत में एक घर बनाएंगे। आखिरी बात ये और कहूँगा क्योंकि ये ऐसा काम है और उस काम की वजह से आज आप देखेंगे अजीब फरजाना खोसो को हम कहते हैं हमारे शक्कर की बहन तो इस काम में जो जो अपना
عزت ڈالے گا, میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. اور آخری اعلان, میں سکھر کی حیثیت سے نہیں کر رہا, یہ میں ارسلان شیخ کی حیثیت سے کر رہا ہوں, کہ ان میں سے ایک بچی جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, چاہے وہ سنگاپور سے پڑھنا چاہتی ہے, چاہے لندن سے پڑھنا چاہتی ہے, چاہے امریکہ سے پڑھنا چاہتی ہے, چاہے یورپ سے پڑھنا چاہتی ہے, اس کے کہا اللہ نے زندگی تمہیں اپنی ذاتی حیثیت میں پرائیویٹ کیپیسٹی میں پورے کروں گا. اور کیونکہ میں تم کا لائر ہوں تو میری خواہش ہے کہ ہمارے سکھر شہر کی ایک ٹریننگ ہومس کی بچی, جس طرح رنجن دن سے میں نے بارہ ٹاک کیا اور قائد اعظم صاحب نے کیا, کہ وہ بیرسٹر بنے اور رنجن دن سے پڑھے اور ان بچیوں کے لیے آواز اٹھائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح مجھے دعوت دینے کا, عزت و وقار عطا فرمانے کا. اور ایک آپ سوال میں بھول گیا کہ پرسوں 16 دسمبر کو جو پشاور میں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا ظالمانہ واقعہ ہوا تھا, جس کے اوپر بچوں کو شہید کیا گیا تھا, تو اسی میں رام کلچر کمپلیکس کے بالکل اپوزٹ میونسپل اسٹیڈیم میں پرسوں 16 تاریخ کو ہم نے ٹریبیوٹ کا پروگرام کیا ہوا, تو آپ لوگ ضرور شرکت کریں, خاص کر فیملیز ہماری بچے.